हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एसएससी वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ बातें सुनने को आ रहा है जेएसएससी जेई एग्ज़ाम में दोस्तों, तो ये बात बहुत सारे लोग हमें बताया है कि ऐसे हो रहा है, तो शायद आपके साथ भी हो रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा मुद्दा अपने आप में देखा जाए तो, यदि आपके साथ भी हुआ है दोस्तों, तो हम तो यही बोलेंगे कि चेयरमैन सर से मिलना चाहिए आप लोगों को। क्यों दोस्तों, इसलिए कि देखिए लास्ट, जैसे देखिए आप शुरुआत में सब सही चला है, ठीक है, लास्ट लास्ट देख रहे हैं कुछ कोई सेंटर में पर्ची मिल रहा है तो उसको कैंसिल करके आगे डेट बढ़ाया जा रहा है, और कुछ कुछ सुनने में पहले भी आया है कि इस तरह का साथ हो रहा है। अब किस तरह की बात हम बात करते हैं, क्या हो रहा है, सो आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा दोस्तों, तो मेरे हिसाब से तो चेयरमैन सर से जाकर बात करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, तीसरा बार आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सोचिए, बताइए, पहले बात को समझिए। 2022 के अप्रैल में ही आपका 2022 था ना, हाँ 2022 के अप्रैल में आपका एग्जाम हुआ था, पेपर मेंस का ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, उसमें पेपर आउट हो गया था। बहुत मशक्क़त के बाद छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद चेयरमैन सर, जो पुराना सर थे चेयरमैन सर, वो पेपर को मतलब क्या किया, एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया, ठीक है। फिर अप्रैल के बाद अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम डेट आया, नया डेट अक्टूबर में मतलब आया था ऑनलाइन एग्ज़ाम, जो 23 अक्टूबर से लेकर सेप्टेम्बर से लेकर कुछ अक्टूबर तक चला था, एग्जैक्ट डेट हमको याद नहीं है, ठीक है। उसमें नियोजन नीति के चक्कर में ये चीज़ को फिर से ख़त्म कर दिया गया, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं था, बस नियोजन नीति का मैटर था, इसी वजह से रद्द कर दिया गया। फिर से तीसरा बार जब एग्ज़ाम हो रहा है दोस्तों, आप लोग कितना साल, 2 साल 3 साल से लगातार कर रहे तैयारी, और इस तरह के सिचुएशन आपके सामने आ रहा है दोस्तों, तो चेयरमैन सर से मिलना ही बेटर है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, क्या है मैटर दोस्तों, देखिए दोस्तों, बात ऐसा है ना कि बहुत सारे छात्र ऐसे बता रहा था कि जो एग्ज़ाम पेपर जो देने जा रहा है दोस्तों, उसमें क्या कोई लैंग्वेज अपने ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है। क्या आपके साथ हुआ है ये सब चीज़? ऐसा तो होता नहीं दोस्तों, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन रहता है। डिफॉल्ट लैंग्वेज पहले सेट कीजिएगा इंग्लिश, तो ठीक है इंग्लिश में, मान लीजिए कोई क्वेश्चन में इंग्लिश नहीं समझ में, हिंदी करना चाहते हैं तो आप जब हिंदी कीजिएगा तभी आप आएगा। ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक हिंदी से इंग्लिश आ जाएगा, इंग्लिश से हिंदी ऑटोमेटिक कभी नहीं आता, ऐसा कोई भी एग्जाम में आज तक नहीं हुआ दोस्तों। लेकिन कुछ छात्र बता रहे हैं, अब पता नहीं वो सच्चा बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, हमको नहीं पता कि ऐसा बात बोल रहा है कि ये सब कोई मेरे साथ बोल रहा है कि मेरे साथ अपने आप ऑटोमेटिक लैंग्वेज चेंज हो जा रहा था। और भी बहुत सारे बच्चे बता रहे थे कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो क्या दोस्तों मैक्सिमम लोगों को साथ हुआ है? यदि हुआ है तो जाके ये बात को रखना चाहिए चेयरमैन सर से कि सर इस डेट में मेरा एग्जाम था, और अब पेपर देते मेरा डिफॉल्ट लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश जो भी था, एग्जाम देते बीच में अपना क्या बोलता है लैंग्वेज चेंज हो रहा था, अपने आप खुद चेंज हो जा रहा था, तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो शायद सर को लगेगा कुछ, तो शायद उसमें कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपके साथ किसी के साथ की दिक्कत नहीं, कुछ ही लोगों के साथ हुआ होगा ऐसा, तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास आया हुआ था ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो ने बोला सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लोगों को पता भी चल जाए। यदि ऐसा है तो बात कर लीजिए जाके दोस्तों, हम क्या बता सकते हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, लास्ट का समय है ना, तो सारा सच्चाई बता रहे, मेहनत बेकार हो जाएगा, बता रहे ना। शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत अच्छा चल रहा था एग्जाम। ये लास्ट के समय में इन लोग पता नहीं अब क्या ही सिचुएशन है, अब कुछ नहीं कर सकते इसमें बिना प्रूफ का। लेकिन यदि हुआ ऐसा तो जाकर बात कीजिए, वरना सारा मेहनत बेकार चला जाएगा आपका, ठीक है। उम्मीद करते देखते हैं कि इस पर यदि जाइएगा चेयरमैन सर के साथ तो इस पर कार्रवाई किया जा सके, या फिर हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि कुछ मैटर ही है उसके अंदर में, नहीं हो सकता टेक्निकल प्रॉब्लम से हो सका, कोई सेंटर में ऐसा हुआ होगा, ठीक है। बहुत सारे कारण होता है, जैसे देखिए अभी 28 तारीख एग्जाम कैंसिल कैसे हो गया, किसी को पता नहीं था, सबको लग रहा था कि नहीं टेक्निकल प्रॉब्लम था, ऐसे वैसे एग्जाम लेट हुआ था, 2 घंटा लेट स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं वहाँ पर्ची घूम रहा था सेंटर के अंदर में, उसके बाद पेपर को मतलब रद्द कर दिया गया, फिर उसको 18 तारीख को रिशेड्यूल किया गया। पता है कि नहीं, जिनको नहीं पता बता देते, 18 तारीख को इसका जो 28 तारीख जो उसको सिवा में हुआ था एग्ज़ाम, उसको 18 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है। उसका एडमिट कार्ड फिर से निकल रहा है, जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। और जो एग्ज़ाम 19 और 20 तारीख को होने वाला था सिवा में, उसका वो सिवा में ना होकर दूसरे जगह सेंटर दिया जाएगा, ये चीज़ के लिए भी आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए कोई चिंता वाली विषय है नहीं, लेकिन अच्छी बात है दोस्तों, तुरंत एक्शन लिया गया, तो ये बात आपके साथ भी हुआ है तो अवश्य आप लोग ग्रुप बना के और जाइए बात कीजिए, ऐसे ऐसे बात हुआ, क्योंकि ऐसे होता नहीं है जनरली दोस्तों, ठीक है। ऐसा कभी नहीं सुने कि आपने ऑटोमेटिक लैंग्वेज पेपर लैंग्वेज चेंज हो जाएगा अपने आप, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, जब तक आप नहीं चाहिएगा तब तक, आपके चाहने के बाद ही चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं मुद्दा है दोस्तों, तब लोग बात कर लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो हंगामा करने से क्या मतलब बनेगा, ठीक है। बात कीजिए अच्छा से, यदि है तो मैक्सिमम लोगों के साथ है तो, बाकी 2-4, 5-6 लोगों का होगा तो उसका लिए चलो हो सकता है उस सिस्टम में टेक्निकल प्रॉब्लम हो, शायद हो सकता है, टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता, हो जाता है कभी कभार, ठीक है ना। तो ये मैटर है दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और जितना भी हुआ दोस्तों जिनका एग्जाम, तो यदि आपके पास एग्जाम है तो क्वेश्चन जरूर बता दीजिएगा एनालिसिस करवाने के लिए, ठीक है। हालांकि अब तो एग्जाम लास्ट ही है, अब तो कितना 16 तारीख तो हो ही गया आज, ठीक है, 17, 18, 19, 20, 3-4 दिन का एग्जाम बचा हुआ है, कोई बात नहीं। जिनका एग्जाम रह गया बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करते हैं जितने भी छात्र तैयारी मन से दिए तैयारी करके उनका सिलेक्शन हो जाए, यही हम चाहते हैं। आपका रिजल्ट जो है आपका जनवरी के प्रथम सप्ताह में आपका रिजल्ट आने वाला है जेई का, ठीक है। 99% चांस प्रथम सप्ताह में आएगा जेई का रिजल्ट, ठीक है। बाकी
एक बार रिजल्ट आ जाना चाहिए, उसके बाद सारा चीज़ प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। मुझे लगता है मार्च मार्च से पहले पहले आपको सब प्रक्रिया को शुरू कर मतलब प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है, चुनाव से पहले। बाकी देखते हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, नहीं किए हो तो, इस चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ लाजवाब क्वेश्चन करवा ही रहे, जाकर देखिए क्वेश्चन को, 8-10 मिनट का वीडियो होता है, बेहतरीन तरीका से किया जाता है वहाँ पर क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना आपको फायदा मिलने वाला है। इसलिए टेलीग्राम चैनल पर अभी मैथ का क्वेश्चन डालें, प्रीवियस दरोगा वाला क्वेश्चन मैक्सिमम तो डाल दिए, एक साथ कंपेयर करके डालें, मैं जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन बना लीजिए, उसका सोल्यूशन भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं। मैथ का पहले आप प्रीवियस बनाइए, उसके बाद ही को राकेश ज़्यादा या कोई बुक बनाना है उसके बाद ही बनाना है, पहले प्रीवियस पे फोकस ज़्यादा कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए टेलीग्राम चैनल जेएसएससी वाला, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और चैनल से जुड़ के रहिएगा। और बाकी जिसके साथ मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम है तो चेयरमैन सर से जाकर मिल लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।